नमस्कार। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दूसरा चरण है और राजधानी पटना में भी पटना वासियों ने जमकर मतदान किया है। कुछ लोग तो अभी भी जो हैं घर में पिकनिक मना रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सोए हुए हैं। जगाना भी मुश्किल है ऐसे ऐसे लोगों को, क्योंकि चुनाव जो है एक महान राष्ट्रीय पर्व है। ये मौका है कि हम अच्छे और देशभक्त राजनेताओं को चुने और इस मौके से हमें चुकना नहीं चाहिए। आपने आज मतदान किया, कैसा लगा? कोई दिक्कत भी हुई? अपना पहले परिचय दे दीजिएगा। मैं नंदन कुमार, चित्रकार व मूर्तिकार, पटना। लोकतंत्र महापर्व में आज मतदान करके बहुत खुशी महसूस हो रहा है और ज़्यादा ही धर्मस्य। जब जब धर्म की हार और अधर्म की जीत होती है, तब तक चुनाव में देखा जाए कि किसकी जीत होती है, क्योंकि आज धर्म और पूरा बिहार संकट में है और इस संकट से उबारने वाले कौन मसीहा आते हैं जो कि बिहार की जनता को संकट से उबारे। कर्मण्यवाद कारस्ते माँ फले सुखदा चली। अब सभी जनता कर्म करते जाए, मतदान करते जाए और फल निश्चय ही भगवान कृष्ण के विराट रूप के लिए। जो जनता वोट नहीं दे रही है, घर में पिकनिक बना रहे हैं, सो रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? जागना होगा, उठो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए और मतदान की महत्व को समझें और मतदान जरूर करें। जिन्होंने मतदान किया है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन कुमार जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।